आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट का स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। बर्खास्त टीचरों द्वारा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का आवास घेरना पुलिस प्रशासन को महंगा पड़ गया। जानकारी के मुताबिक मामले पर संज्ञान लेते हुए 18 पुलिसकर्मियों समेत कुल 37 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के पीछे की वजह ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही बताई जा रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पानीपत के बाद अब जगाधरी में पुलिस प्रशासन पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पुलिस अधीक्षक कमलजीत गोयल ने 37 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। एसपी ने कार्रवाई करते हुए 18 पुलिसकर्मी, 3 एसपीओ और 16 होमगार्ड के जवानों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें 5 उप निरीक्षक, 3 एएसआई, 5 मुख्य सिपाही शामिल हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने शिक्षकों पर दर्ज केस में 5 धाराएं और बढ़ाकर 92 शिक्षकों को नामजद किया गया है। दरअसल अनाज मंडी में धरना दे रहे टीचर्स ने ऐलान किया था कि वे शिक्षा मंत्री के आवास पर जाएंगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। लेकिन 11 जनवरी को सुबह 6 बजे पुलिस को चकमा देकर टीचर्स की प्रभात फेरी शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंच गई और शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचकर टीचरों ने आधा घंटा नारेबाजी भी की, जहां उस समय पुलिस ने टीचर को रोकने के लिए कोई पुलिसकर्मी तो छोड़िए बैरिगेटिंग तक नहीं कर रखी थी। जानकारी के मुताबिक इस वजह को लापरवाही मानते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले पानीपत में भी व्यापारी हत्या मामले में डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही पाए जाने के बाद पानीपत एसपी द्वारा कार्रवाई की गई थी। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।